हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th बोर्ड एग्जाम का जो री एग्जाम होने वाला है उसका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस गाइस चालू था। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो ये फॉर्म फिलिंग का जो डेट है गाइस ये एक्सटेंड कर दिया है, उसके रिगार्डिंग आज का अपडेट है। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा जो पहला डेट था ये 27 जून तक दिया गया था, वो डेट एक्सटेंड करके 28 जून से लेके 30 जून तक ये एक्सटेंड कर दिया। आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हो, दिनांक 20/6/2022 से 27/6/2022 पर्यंत नियमित शुल्काने आवेदन पत्र सादर करण्याच्या तारखा यापूर्वी निश्चित करण्यात आल्या होत्या, परंतु विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता हे आवेदन पत्र दिनांक 28/6/2022 ते 30/6/2022 पर्यंत नियमित शुल्काने व 1/7/2022 ते 4/7/2022 पर्यंत विलंब शुल्काने सादर करण्यास मुदत देण्यात येत आहे। तो यहाँ पे आपका जो गाइस फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है इसका डेट एक्सटेंड कर दिया है। रेगुलर फॉर्म फिलिंग का जो डेट है गाइस ये 30 जून तक कर दिया है, और उसके बाद 4 जुलाई तक आप लोग गाइस लेट फीस के साथ भी अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके पूछ रहे थे फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, तो गाइस आपका डेट एक्सटेंड हो गया है। तो अपना फॉर्म फिलिंग अगर अभी तक आपका बाकी रहेगा तो जल्दी जाके फटाफट अपना री एग्ज़ाम या इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।